नमस्कार दोस्तों, यह क्यूब के आकार का दिखने वाला बिल्डिंग्स कहाँ स्थित है और यह इतना अमेजिंग और इंटरेस्टिंग क्यों है, आइए जानते हैं। देखिए दोस्तों, यह क्यूब के आकार का दिखने वाला बिल्डिंग्स बेलारूस का राष्ट्रीय पुस्तकालय है और यह यूरोप के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है। यह मिंस्क की राजधानी शहर में स्थित है और इसे 1922 में स्थापित किया गया था। पुस्तकालय में पुस्तकों, पत्रिकाओं, मानचित्रों, पांडुलिपियों और अन्य दस्तावेजों सहित 10 मिलियन से अधिक वस्तुओं का संग्रह है। बेलारूस के राष्ट्रीय पुस्तकालय की इमारत एक प्रभावशाली वास्तुशिल्प मील का पत्थर है। इसे आर्किटेक्ट मिहेल विनोग्रादो और विक्टर क्रामरेंको द्वारा डिजाइन किया गया और यह ऑस्ट्रेलियाई वास्तुशिल्प फर्मकाफ हिमेल्ब एयू के नेतृत्व वाली कंपनी के एक संघ द्वारा बनाया गया। निर्माण 2002 में शुरू हुआ और इस पुस्तकालय को 2006 में पूरा कर लिया गया, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर 16 जून 2006 को खोला गया और तब से यह बेलारूस की सबसे प्रतिष्ठित इमारतों में से एक बन गया है। इमारत का आकार हीरे की याद दिलाता है और यह कांच और धातु से बना है। पुस्तकालय के शीर्ष तल पर एक अवलोकन डेक है जो शहर के आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। बेलारूस का राष्ट्रीय पुस्तकालय न केवल ज्ञान और संस्कृति का भंडार है बल्कि अनुसंधान, शिक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी केंद्र है। पुस्तकालय पूरे वर्ष प्रदर्शनियों, व्याख्यानों, संगीत कार्यक्रमों और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। यह इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों तक पहुंच भी प्रदान करता है और इसमें 5 मिलियन से अधिक वस्तुओं के साथ एक डिजिटल लाइब्रेरी भी है। बेलारूस का राष्ट्रीय पुस्तकालय बेलारूस में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक संस्थान है और शिक्षा, अनुसंधान और संस्कृति को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मिंस्क जाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखने योग्य गंतव्य है और बेलारूसी संस्कृति और इतिहास में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। देखिए दोस्तों, बेलारूस के राष्ट्रीय पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य पुस्तकों, पत्रिकाओं, मानचित्रों, पांडुलिपियों और डिजिटल संसाधनों सहित विभिन्न स्वरूपों में ज्ञान और जानकारी एकत्र करना, संरक्षित करना और उन तक पहुंच प्रदान करना है। यह बेलारूसी संस्कृति और इतिहास के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करता है और शोधकर्ताओं, छात्रों और आम जनता के लिए सूचना और संसाधनों तक पहुँच प्रदान करता है। कुल मिलाकर बेलारूस के राष्ट्रीय पुस्तकालय का उद्देश्य बेलारूस में ज्ञान और संस्कृति के लिए एक केंद्रीय केंद्र बनाना और सभी के लिए सूचना और शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देना है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं बेलारूस के राष्ट्रीय पुस्तकालय की अनसुनी बातों को। बेलारूस का राष्ट्रीय पुस्तकालय 10 मिलियन से अधिक वस्तुओं के संग्रह के साथ दुनिया के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक है। पुस्तकालय के अद्वितीय डिजाइन ने इसे ज्ञान के हीरे का उपनाम दिया है। इसमें एक रोम्बी क्यूबोक्टा हेड्रॉन आकार है जो 48 पहलू वाली ज्यामितीय आकृति है। लाइब्रेरी की इमारत 72 मीटर ऊंची है जो इसे बेलारूस की सबसे ऊंची इमारत बनाती है। पुस्तकालय का बाहरी भाग कांच के पैनल से बना है जो विशेष रूप से पुस्तकों को सीधे सूर्य के प्रकाश और पराबैंगनी विकिरण से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। पुस्तकालय के संग्रह में न केवल किताबें बल्कि दुर्लभ पांडुलिपियां, नक्शे और अन्य ऐतिहासिक दस्तावेज भी शामिल है। संग्रह की कुछ सबसे मूल्यवान वस्तुओं में गुटेनबर्ग बाइबल की एक प्रति और महाकाव्य कविता द टेल ऑफ इगोर्स कैंपेन की एक पांडुलिपि भी शामिल है। पुस्तकालय एक अद्वितीय पुस्तक संग्रहालय का भी घर है जिसमें लेखन, मुद्रण और बुक बाइंडिंग के इतिहास को प्रदर्शित किया गया है। पुस्तकालय का अपना प्रकाशन गृह है जो बेलारूसी इतिहास, संस्कृति और साहित्य सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर पुस्तकें तैयार करता है। बेलारूस का राष्ट्रीय पुस्तकालय अपनी नवीन डिजिटल सेवाओं के लिए भी जाना जाता है जो उपयोगकर्ताओं को ई बुक्स, डेटाबेस और डिजिटल अभिलेखागार सहित ऑनलाइन संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुँचने की अनुमति देता है। पुस्तकालय पुस्तक प्रस्तुतियों, प्रदर्शनियों और संगीत कार्यक्रमों सहित विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मेजबानी करता है। बेलारूस का राष्ट्रीय पुस्तकालय न केवल एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान है बल्कि एक महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र भी है जिसमें समर्पित विद्वानों और विशेषज्ञों की एक टीम है जो बेलारूसी संस्कृति और विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए काम करती है। लेकिन आइए दोस्तों, बेलारूस में स्थित और भी ऐसे अमेजिंग प्लेसेस के बारे में जानते हैं जो अपने आप में अमेजिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मीर कैसल, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल मीर कैसल मीर शहर में से 16वीं शताब्दी का महल है। यह बेलारूस में सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित किलों में से एक है। ब्रेस्ट फोर्ट्रेस, ब्रेस्ट शहर में स्थित द्वितीय विश्व युद्ध का स्मारक परिसर, किले ने नाजी जर्मन के खिलाफ सोवियत संघ की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। वेलोवेजस्काया पुश्चा राष्ट्रीय उद्यान, यूरोप के सबसे पुराने प्राकृतिक भंडारों में से एक वेलोवेजस्काया पुश्चा नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और अंतिम शेष यूरोपीय बाइसन का घर है। नेस्विच कैसल, एक अन्य यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नेस्विच कैसल नेस्विच शहर में स्थित 16वीं शताब्दी का एक महल है। यह बेलारूस के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक महलों में से एक है। मिंस्क ओल्ड टाउन, मिंस्क का ऐतिहासिक केंद्र मिंस्क ओल्ड टाउन एक सुंदर और आकर्षक पड़ोस है जिसमें कोबाल स्टोन, सड़कों, पुरानी इमारतों और कई कैफे और रेस्तरां हैं। ब्रासलाव झील राष्ट्रीय उद्यान,
बेलारूस के उत्तर में स्थित एक आश्चर्यजनक राष्ट्रीय उद्यान ब्रासलाव झील राष्ट्रीय उद्यान 30 से अधिक झीलों और वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियों का घर है। हाटिन मेमोरियल द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेलारूस के नाजी कब्जे के पीड़ितों की याद में समर्पित एक स्मारक परिसर हाटिन मेमोरियल युद्ध की त्रासदियों और एक शक्तिशाली और मार्मिक स्मरण है। विटेबस्क बेलारूस के उत्तर में स्थित एक ऐतिहासिक शहर विटेबस्क अपनी खूबसूरत पुरानी इमारतों संग्रहालयों और कला दीर्घाओं के लिए जाना जाता है और एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोह वार्षिक स्लावियांस्की बाजार का घर है। बेलारूस में घूमने के लिए ये कुछ अद्भुत और दिलचस्प स्थान है। देश में कई और खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थल है जो देखने लायक है। बेलारूस पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है जिसकी सीमा पूर्व और उत्तर पूर्व में रूस, दक्षिण में यूक्रेन, पश्चिम में पोलैंड और उत्तर पश्चिम में लिथुआनिया और लात्विया से लगती है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर मिंस्क है जो देश के मध्य भाग में स्थित है। बेलारूस के अन्य प्रमुख शहरों में ब्रेस्ट, होंडाना, माहिलोव, विटेबस्क और होमेल शामिल है। तो दोस्तों, क्यूब के आकार का दिखने वाला बेलारूस के राष्ट्रीय पुस्तकालय के बारे में आप कितना जानते हैं? अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और इस वीडियो को देखने में मजा आया हो या आपको कुछ न्यू जानने को मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकना और फैक्ट ऑफ फ्यूचर चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियो की अपडेट्स को आप मिस न कर सको। तो दोस्तों, अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।